तो हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग बोल रहे हैं गाइनोशियम। इन सम केसेस लाइक इन पी प्लांट गाइनोशियम मे कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कॉर्पल और वन कॉर्पल और पिस्टिल, बट देयर मस्ट बी सम अदर प्लांट्स एज वेल इन विच गाइनोशियम मे हैव मोर देन वन कॉर्पल। तो ये जरूरी नहीं है कि गाइनोशियम में एक सिंगल कॉर्पल या पिस्टल ही प्रेजेंट हो, ग्रुप ऑफ पिस्टल या कॉर्पल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि मल्टी कॉर्पलरी कंडीशन जहां पे हमने पढ़ा था। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ कॉर्पल को बोलेंगे गाइनोशियम, या फिर ये कह सकते हैं कि गाइनोशियम की जो यूनिट है उसको हम लोग बोल रहे हैं कॉर्पल या पिस्टल। एंड इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉर्पल और पिस्टल। मैंने आपको बताया था कि अपर मोस्ट या जो टॉप मोस्ट स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे एक परफोरेटेड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होगी जो कि रिसेप्टिव सरफेस या लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करेगी फॉर द पॉलन ग्रेन्स एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन। इसको हम लोग बोलेंगे स्टिग्मा। एंड जस्ट बिलो द स्टिग्मा देयर विल बी अ ट्यूब और सॉलिड सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे स्टाइल। एंड द बेसल स्वेलन बल्ज पार्ट ऑफ अ कॉर्पल विल बी योर ओवरी। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओवरी विच इज अटैच्ड टू द थैलमस ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर के थैलमस से क्या होगा, अटैच्ड होगा। तो हमने आपको ये बताया कि इसको हम लोग बोलेंगे स्टिग्मा, इसको बोलेंगे स्टाइल, एंड इस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरी। एंड इन साइड द ओवरी देयर इज एन ओवेरियन कैविटी और वी कैन से एन ओवेरियन लॉक्यूल। तो इसके अंदर जो कैविटी प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओवेरियन कैविटी और ओवेरियन लॉक्यूल। एंड अटैच्ड टू द वॉल ऑफ ओवरी द प्लेसेंटा विल बी प्रेजेंट ओवर हियर। यानी कि यहाँ पे कहीं पे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि वॉल ऑफ ओवरी से अटैच्ड होगा, और इस स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं प्लेसेंटा। एंड itself attached to the placenta is your ovule will be present over here। तो यहाँ पे एक बहुत important structure मैंने बताया, इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, ovule। तो ovary, ovary के अंदर cavity, cavity को हमने बोला ovarian cavity और ovarian locule, और wall of ovary पे present है यहाँ पे placenta, and arising from the placenta here is your ovule। and ovule के अंदर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, और इस स्ट्रक्चर को मैं बोल रहा हूं एम्ब्रायो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। तो मैंने आपसे ये कहा कि ओवरी, ओवरी के अंदर ओवरियन कैविटी और ओवरियन लॉक्यूल, और वॉल ऑफ ओवरी पे प्रेजेंट होगा प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से अटैच्ड होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसको मैंने बोला ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजियम और इंटेगमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम। ये टर्म्स अभी बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएंगे। और इस ओव्यूल के अंदर यहां पे प्रेजेंट है फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रायो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रायो सैक। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो स्टडी करेंगे या फिर डिटेल में जो चीज पढ़ रहे हैं वो ये सिर्फ इतना सा पार्ट है, यानी कि इसी पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजियम और इंटेगमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम। तो जो हमारा फोकस रहेगा इस पर्टिकुलर वीडियो में वो एक्सक्लूसिवली इसके लिए रहेगा, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए जिसके अराउंड हमने यहाँ पे सर्कल बनाया है, और इस स्ट्रक्चर को मैं क्या बोल रहा हूँ, ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजियम और वी कैन से इंटेगमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम। तो इंटेगमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम या मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल तीनों एक ही बात है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको समझने के लिए, हर टॉपिक की तरह इसको भी बहुत आसान बनाने के लिए, हम एनसीईआरटी से थोड़ा सा उल्टा चलेंगे। एनसीईआरटी में ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजियम को एक्सप्लेन करने के लिए जो सीक्वेंस फॉलो किया गया है वो फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ है, लेकिन मैं थोड़ा सा उल्टा चल रहा हूं, फ्रॉम द इनसाइड टू आउटसाइड, अंदर से बाहर की तरफ। ऐसा इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज गिवन है इसको एक्सप्लेन करने के लिए वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हमको थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी होती है, तो उसी को हम थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा उल्टा चल करके। तो अगर हम हमारे सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो हमें
इसको एक्सप्लेन करने की सारी बातें जो है वो क्रिस्टल क्लियर होंगी, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। फिर आप एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं तो उसको भी आप बहुत अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं उसकी लैंग्वेज को भी। तो मैं थोड़ा सा आपको ये कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी में बाहर से अंदर की तरफ, यानी कि इधर से इधर एक्सप्लेन किया गया है, मैं करके आ रहा हूँ अंदर से बाहर की तरफ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यानी मैं स्टार्ट करूंगा डिस्कशन अपना ओव्यूल का इस ब्लू कलर वाले स्ट्रक्चर से, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज एम्ब्रायोसाइट। तो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ ओव्यूल यहाँ पे एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया है, और इस स्ट्रक्चर को मैं बोल रहा हूं एम्ब्रायो सैक। इसको मैंने बोला एम्ब्रायो सैक, या फिर इसी को मैं और एक नाम से बोल रहा हूं, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हमें याद रखना है। मैं बार बार इसके लिए बोल रहा हूं कि कंफ्यूज नहीं होना है। फीमेल गैमेटोफाइट को मैं क्या बोल रहा हूं, एम्ब्रायो सैक। और मैं इससे ज्यादा डिटेल में यहाँ पे इस वीडियो में इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हमें नाम याद रखना है इस पर्टिकुलर वीडियो में इसका, यानी कि इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रायो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। जैसे कि हम लोगों ने मेल गैमेटोफाइट दैट इज पॉलन ग्रेन्स या पॉलन्स के लिए सेपरेट वीडियो किया था, और उसमें उस स्ट्रक्चर को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। सिमिलरली वी आर गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर द फीमेल गैमेटोफाइट एज वेल। तो हम लोग इसको अलग एक वीडियो में, सेपरेट वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सिर्फ अभी हमको एक नाम इसका याद रखना है कि ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ ओव्यूल देयर विल बी एम्ब्रायो सैक, और वी कैन से फीमेल गैमेटोफाइट। तो मैंने आपको बताया था जिस तरीके से माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, और वो डेवलप होकर के ट्रांसफॉर्म होते थे, जिसमें फीमेल मेल गैमेटोफाइट में, मेल गैमेटोफाइट में जिसको हमने क्या बोला था, पॉलन ग्रेन या पॉलन। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर इस डेवलपिंग माइक्रोस्पोर या माइक्रोस्पोर मदर सेल या डेवलपिंग मेल गैमेटोफाइट के लिए नरिशमेंट की जरूरत पड़ती थी, न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती थी। और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो न्यूट्रिशंस थे वो आते कहाँ से थे, उसके नियरेस्ट एक वॉल ऑफ एंथर से, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, टैपेटम। यानी कि टैपेटम जो है वो नरिश कर रही थी इसको, डेवलपिंग मेल गैमेटोफाइट को। इसी तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट जो है या एम्ब्रायो सैक है, या जो डेवलपिंग फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रायो सैक है, इसको भी तो नरिशमेंट की जरूरत पड़ेगी, इसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए। तो ये जो न्यूट्रिशन है ये भी इसके नियरेस्ट जो सेल्स होंगी, न्यूट्रिटिव सेल्स होंगी, वो इनको नरिश करेंगी। तो यहाँ पे जस्ट आउटसाइड द एम्ब्रायो सैक यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड मास ऑफ सेल्स इस एम्ब्रायो सैक को सराउंड कर रहे होंगे, और ये जो मास ऑफ सेल्स हैं जो एम्ब्रायो सैक को चारों तरफ से, या फीमेल गैमेटोफाइट को चारों तरफ से ये जो सराउंड कर रहे हैं, इस मास ऑफ सेल को हम लोग बोलेंगे न्यूसेलस और न्यूसेलर सेल्स। मैंने आपको कहा कि जस्ट आउटसाइड द एम्ब्रायो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट बहुत सारी क्या होंगी, सेल्स होंगी। यहाँ पे मास ऑफ सेल, यहाँ पे मास ऑफ सेल्स, ये ब्लैक कलर की जो हमने सेल्स बनाई हैं वो इस ब्लू कलर के स्ट्रक्चर को सराउंड कर रहा है, और ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है इसको हमने बोला एम्ब्रायो सैक, और इसके चारों तरफ जो ये मास ऑफ सेल इस स्ट्रक्चर को सराउंड कर रहा है, इस स्ट्रक्चर को मैं बोल रहा हूँ, इस मास ऑफ सेल को मैं बोल रहा हूँ न्यूसेलस, न्यूसेलस और न्यूसेलर सेल्स। और ये जो न्यूसेलर सेल्स हैं, दीज न्यूसेलर सेल्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट रिच सेल्स होंगी, और वी कैन से दे डू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ स्टोर्ड फूड, इसमें रिजर्व्ड फूड मटेरियल प्रेजेंट होगा या स्टोर्ड फूड मटेरियल प्रेजेंट होगा। और ये जो न्यूसेलर सेल्स हैं, ये जो न्यूसेलस हैं, वो इस एम्ब्रायो सैक को या फीमेल गैमेटोफाइट को या डेवलपिंग फीमेल गैमेटोफाइट को नरिशमेंट देगा, यानी कि इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। जिस तरीके से डेवलपिंग मेल गैमेटोफाइट के टैपेटम की सेल्स नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही थी, उसी तरीके से डेवलपिंग फीमेल गैमेटोफाइट को न्यूसेलर सेल और न्यूसेलस जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट, और वी कैन से दे डू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हमको ये समझ में आ गया कि ये
नरिशमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमको याद रखना है न्यूसिलस के लिए, वो ये कि ये जो न्यूसिलर सेल्स हैं, ये जो न्यूसिलर सेल्स हैं, ये यूनी न्यूक्लिएटेड होंगी, ये यूनी न्यूक्लिएटेड होंगी। मैं इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ कि ये यूनी न्यूक्लिएटेड होंगी, क्योंकि जब हमने टैपेटम वॉल की टैपेटल सेल्स के बारे में बात किया था तो वहाँ पे हमने बोला था कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगी। तो वो जो न्यूट्रिटिव सेल है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड थी इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वाइल इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीज न्यूसिलर सेल्स, तो हमने कहा कि न्यूसिलर सेल्स कैसी हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड हैं, बट दे आर अरेंज इन मल्टीपल लेयर्स, लेकिन ये मल्टीपल लेयर्स में अरेंज होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो न्यूसिलर सेल्स हैं जो यूनी न्यूक्लिएटेड होने के बावजूद ये कैसी होंगी, मल्टी लेयर्ड होंगी, यानी मल्टी लेयर्ड अरेंजमेंट शो करेंगी ये। और एक छोटी सी बात आप ये याद रख सकते हैं कि ओव्यूल जो है, जो ये ओव्यूल आप देख रहे हैं, ओव्यूल के सेंटर पे यहाँ पे प्रेजेंट होगा एम्ब्रायो सैक, और एम्ब्रायो सैक के चारों तरफ यहाँ पे ये सेल्स के मास प्रेजेंट है जिनको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूसिलस और न्यूसिलर सेल्स, न्यूसिलस और न्यूसिलर सेल्स। तो अगर हम न्यूसिलर सेल के बाहर अभी देखेंगे, यहाँ पे प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी जिसको इंटेगमेंट बोलेंगे, तो इंटेगमेंट और ये जो एम्ब्रायो सैक है ये बहुत कम कह सकते हैं कि पार्ट कवर करेगा, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है ओव्यूल का वो इस न्यूसिलर सेल या न्यूसिलस की वजह से होगा। इस वजह से हम न्यूसिलस को बोलेंगे मेन पार्ट ऑफ ओव्यूल, इसको हम बोलेंगे मेन पार्ट ऑफ ओव्यूल। तो न्यूसिलस और न्यूसिलर सेल के लिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक के लिए, और ये यूनी न्यूक्लिएटेड सेल्स होंगी लेकिन ये अरेंज्ड होंगी इन मल्टीपल लेयर्स, और ये मेन पार्ट होगा किसका, ओव्यूल का। एंड जस्ट आउटसाइड दीज न्यूसिलस और न्यूसिलर सेल्स देयर आर टू प्रोटेक्टिव कवरिंग विच इज कॉल्ड एज इंटेगमेंट। इंटेगमेंट सिंपली मीन्स प्रोटेक्टिव। तो यहां पे एक इंटेगमेंट ये प्रेजेंट है। हमने कहा कि दो प्रोटेक्टिव लेयर होगी, तो एक लेयर ये हो गई और इसके बाहर एक और प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट है, इसको भी हम लोग बोल रहे हैं इंटेगमेंट। तो मैंने आपको ये बताया कि ये बाहर की तरफ ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये जो बाहर की तरफ वाली प्रोटेक्टिव लेयर है, इसको मैं बोल रहा हूं आउटर इंटेगमेंट, और ये जो अंदर है प्रोटेक्टिव वॉल और लेयर, इसको मैं बोल रहा हूं इनर इंटेगमेंट। तो इन दोनों को मिलाकर के हम लोग एक सिंपल नाम दे सकते हैं, दैट इज इंटेगमेंट। तो हमने आपको बोला कि ऑलमोस्ट एट द सेंटर देयर विल बी योर एम्ब्रायो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट, एंड एम्ब्रायो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट इज सराउंडेड बाय मास ऑफ सेल्स, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूसिलस और न्यूसिलर सेल्स। एंड जस्ट आउटसाइड द न्यूसिलस दो प्रोटेक्टिव लेयर होंगी, और इन दोनों प्रोटेक्टिव लेयर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटेगमेंट। यानी कि इंटेगमेंट्स जो है ये सराउंड कर रही है न्यूसिलस को या मास ऑफ न्यूसिलर सेल्स को। अंदर वाली को हमने बोला इनर इंटेगमेंट, बाहर वाली को हमने बोला आउटर इंटेगमेंट, या सिंपली हम इन दोनों को क्या बोल सकते हैं, इंटेगमेंट और प्रोटेक्टिव लेयर। ये जो इंटेगमेंट है आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि ये मास ऑफ न्यूसिलर सेल्स और न्यूसिलस को कवर कर रही है या सराउंड कर रही है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस कवरिंग नहीं है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर रीजन है जहां पे इंटेगमेंट नहीं प्रेजेंट है, या कह सकते हैं एबसेंट है। मैंने आपको ये कहा कि ये रेड कलर वाली जो प्रोटेक्टिव लेयर है, ये बाहर आउटर इंटेगमेंट, और अंदर को हमने क्या बोला, अंदर वाली को इनर इंटेगमेंट। हमने आपको बताया कि ये न्यूसिलस है, ब्लैक वाला न्यूसिलर सेल है, न्यूसिलस है, मास ऑफ सेल है, इसको सराउंड कर रही है रेड वाली लेयर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटेगमेंट। तो आप देख सकते हैं कि ये वो रीजन है जहां पे ये रेड कलर वाली कवरिंग नहीं है, प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है। तो द रीजन वेयर इंटेगमेंट इज नॉट प्रेजेंट, और वी कैन से द रीजन वेयर इंटेगमेंट इज एबसेंट, इस पर्टिकुलर रीजन को मैं बोल रहा हूं माइक्रो पाई। तो मैंने आपसे ये कहा कि द रीजन वेयर
integuments or protective layer are not present. इस reason, ये जो reason होगा जहां पे ये protective layer और integument नहीं present है, ये आपको एक minute pore के form में present होगा. मैंने आपको बताया कि वो particular reason जहां पे integument और protective layer absent है या नहीं present है, ये वाला reason. The reason where integument is absent, integuments are not present. इस रीजन को हमने आपको बताया कि ये एक पोर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, जो कि दिखाई नहीं देगा. वी आर जस्ट अज्यूमिंग इट, इसको हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं. और इस पर्टिकुलर पोर लाइक स्ट्रक्चर वेयर इंटेगमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट, इसको हमने क्या बोला, माइक्रोपाइल. तो ये माइक्रोपाइल जहां पे प्रेजेंट है, यानी कि ये जो माइक्रोपाइलर रीजन है वेयर माइक्रोपाइल इज प्रेजेंट, जिस साइड ये माइक्रोपाइल प्रेजेंट होगा उस पोल को या उस एंड को, यानी कि ये जो पूरा ओव्यूल हो गया, इसको हम इस पूरे रीजन को यहां से लेकर के यहां तक के इस पूरे रीजन को हम लोग मीन ओव्यूल या कह सकते हैं बॉडी ऑफ ओव्यूल, बॉडी ऑफ ओव्यूल इसको हम लोग बोलेंगे बॉडी ऑफ ओव्यूल. और इस बॉडी ऑफ ओव्यूल के दो एंड या पोल होंगे, एक एंड या पोल ये और एक एंड या पोल ए. तो जिधर माइक्रोपाइल प्रेजेंट है, इस पोल या इस एंड को हम लोग बोलेंगे एंटीरियर एंड. जैसे कि हम समझ सकते हैं कि ये जो एंड है हमारा, ये एंटीरियर एंड है और नीचे जो है वो पोस्टीरियर एंड या पोस्टीरियर पोल है. इसी तरीके से हम अगर इसकी बात कर रहे हैं तो ऊपर एक रीजन ये आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे एक रीजन दिखाई दे रहा है. तो मैं ये कह रहा हूं कि जिधर माइक्रोपाइल प्रेजेंट है, इस पोल को हम लोग बोलेंगे माइक्रोपाइलर पोल. और जस्ट अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर पोल, ये जो पोल या ये जो एंड होगा, इसको हम लोग बोलेंगे चलाजल पोल और चलाजल एंड. और ये जो चलाजल पोल है, ये एंड ये पोस्टीरियर पोल है, ये पोस्टीरियर पोल है, ये क्या है, पोस्टीरियर पोल है. और ये जो माइक्रोपाइलर पोल है, ये एंटीरियर पोल है या एंटीरियर एंड है. तो होना क्या चाहिए था, एंटीरियर पोल या एंटीरियर एंड ऊपर. जैसे कि एंटीरियर हम इसको बोल रहे हैं एंटीरियर पोल को, तो एंटीरियर ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एंटीरियर पोल नीचे है. तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि उल्टा खड़े हो जाए. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि एंटीरियर पोल जो है या एंटीरियर एंड जो है वो नीचे चला जाएगा. ओव्यूल जो हम पढ़ रहे हैं अभी या जो हमारे सिलेबस में है, जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है, वो इसी तरीके से है कि इसको पकड़ करके 180 डिग्री पे घुमा दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये जो एंटीरियर पोल है वो नीचे आ गया, या फिर ये जो पोस्टीरियर पोल या फिर ये जो बेसल एंड है या बेसल पोल है ये ऊपर चला गया. तो हम ऐसे ओव्यूल को बोलेंगे उल्टा ओव्यूल या इन्वर्टेड ओव्यूल. बेस ऊपर है, एंटीरियर एंड नीचे है, तो उल्टा हो गया, इन्वर्टेड हो गया. और इन्वर्टेड ओव्यूल को हम लोग बोलेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल. तो ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, जो हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ये एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, इन्वर्टेड ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल. एंड द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल जो कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्पीसीज में देखने को मिलता है, वो एनाट्रोपस ओव्यूल ही है. और कई तरीके के ओव्यूल होंगे, टाइप्स ऑफ ओव्यूल में हम लोग सेपरेट वीडियो में इसको पढ़ेंगे, आई होप कि जस्ट अगले वीडियो में. लेकिन मैं ये कह रहा हूं अभी कि जो स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी में जो गिवन है, जो हमारे सिलेबस में है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में है, जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है, वो क्या है, एनाट्रोपस और इन्वर्टेड ओव्यूल. तो ये बात आपको समझ में आ गई, माइक्रोपाइलर एंड और चलाजल एंड या चलाजल पोल. तो माइक्रोपाइलर एंड जिधर माइक्रोपाइल प्रेजेंट होगा एंड जस्ट अपोजिट टू द माइक्रोपाइल चलाजल पोल या चलाजल एंड होगा. इसको बाद में हम लोग फिर से याद करेंगे एक बार जब एम्ब्रायोसाइट पढ़ेंगे. और अगर आप और नीचे मूव करें, अगर आप और नीचे मूव करें, देन यू विल गेट अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट ओवर हियर. ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा मैं इसको यहां पर रफ कर रहा हूं जगह खाली करने के लिए. तो हमने आपको ये बताया कि अगर हम ओव्यूल से जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा नीचे मूव कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है. और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, इस पर्टिकुलर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को मैं बोल रहा हूं फ्यूनिकल और फ्यूनिकुलस या फ्यूनिकुलम, कुछ बुक में लिखा गया है, लेकिन जो एनसीईआरटी में लिखा है,
तो हम उस टर्म को याद करेंगे, दैट इज इस पर्टिकुलर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं फ्यूनिकल, या फ्यूनिकुलम या फ्यूनिकुलस भी बोलेंगे। अगर अगर मैं आपको इसको इस स्ट्रक्चर से रिलेट करके बताऊं, तो समझ लीजिए कि ये ओव्यूल है, ओवरी है, ओवरी के अंदर ये जो कैविटी है इसको बोल रहे हैं ओवरियन कैविटी और ओवरियन लॉक्यूल, और वॉल ऑफ ओवरी से यहाँ पे क्या अटैच्ड है, प्लेसेंटा, एंड अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा हियर इज योर ओव्यूल, ये क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है। और अगर हम इसको इतने से पार्ट को यहाँ पे जूम करके देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस वॉल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वॉल ऑफ ओवरी, यानी कि ये पर्टिकुलर वॉल हमने बनाया है, ये इतना सा सेगमेंट, और इस वॉल ऑफ ओवरी से अटैच्ड है प्लेसेंटा। तो यहां पे मैं बना रहा हूं एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को मैं बोल रहा हूं, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को अटैच्ड टू द वॉल ऑफ ओवरी, इस स्ट्रक्चर को मैं बोल रहा हूं प्लेसेंटा, इसको मैंने बोला प्लेसेंटा। और इस प्लेसेंटा से आपके मीन ओव्यूल को या बॉडी ऑफ ओव्यूल को एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर अटैच कर रहा है, या फिर कह सकते हैं जोड़े रख रहा है। मैंने आपको बताया कि इस प्लेसेंटा से आपके मीन ओव्यूल को या बॉडी ऑफ ओव्यूल को, इस पूरे रेड वाले रीजन को, इस बॉडी ऑफ ओव्यूल को, इस प्लेसेंटा से आपके बॉडी ऑफ ओव्यूल या मीन ओव्यूल को ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जोड़े रख रहा है, या फिर अटैच कर रहा है। और इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, फ्यूनिकल, यानी हम ये कह सकते हैं ये मीन ओव्यूल या बॉडी ऑफ ओव्यूल को अटैच करेगा किससे, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्लेसेंटा। तो फ्यूनिकल क्या है, फ्यूनिकल बेसिकली अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है ओव्यूल और प्लेसेंटा के बीच में। सो द फ्यूनिकल इज नथिंग, इट इज a stalk-like structure which is basically providing an attachment of placenta with the ovule. तो funicle की help से placenta ovule के through क्या होता है, जुड़ा हुआ होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि ovule placenta से जुड़ा होगा किसके through, funicle के through, या funiculus के through, या funiculum के through कह सकते हैं। And itself funicle itself, अगर मैं थोड़ा सा इसको हटाऊं यहाँ पे इस red वाले region को, तो ये जो फ्यूनिकल है ये जो ब्लैक वाला पूरा पार्ट है, ये इस ब्लैक वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्यूनिकल, क्योंकि फ्यूनिकल क्या कर रहा है, प्लेसेंटा से बॉडी ऑफ ओव्यूल या मीन ओव्यूल को जोड़ रहा है। तो ये फ्यूनिकल इटसेल्फ किसी ना किसी स्पेशलाइज्ड रीजन में इस ओव्यूल से जुड़ा हुआ होगा, एंड दैट स्पेशलाइज्ड रीजन वेयर फ्यूनिकल इज इटसेल्फ अटैच्ड विद द ओव्यूल, इस पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड रीजन को मैं बोल रहा हूं हाइलम, इसको मैंने बोला हाइलम। तो मैंने ये कहा आपको कि प्लेसेंटा से मीन ओव्यूल या बॉडी ऑफ ओव्यूल को जोड़ेगा फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल खुद जिस पर्टिकुलर पॉइंट या जंक्शन या रीजन पे जुड़ा होगा किससे, ओव्यूल से, उस पर्टिकुलर पॉइंट या जंक्शन को या रीजन को मैं बोल रहा हूं हाइलम। So the hilum is nothing. Hilum basically represents as the junction between the ovule and funicle. Hilum represents the junction between ovule and funicle. Or we can say hilum is a specialized region, or hilum is a specialized junction where ovule meets with the funicle, or we can say hilum is a specialized junction where funicle meets with the ovule. तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ovule को प्लेसेंटा से जोड़ेगा funicle, और funicle खुद ovule से जिस पर्टिकुलर जंक्शन पे जुड़ा होगा, या जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे जुड़ा होगा, या जिस पर्टिकुलर रीजन या जंक्शन पे जुड़ा होगा, उस स्पेशलाइज्ड रीजन या जंक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, hilum, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइलम। तो इसको आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, मटर कभी आपने अगर छीला होगा, हरी मटर जो आती है, तो वो मटर के जो दाने हैं वो जुड़े हुए होते हैं ओवरी से, या फिर कह सकते हैं कि उसके पॉड से। तो कभी आप जब अगर तोड़े उसको, या फिर सिंपली हम ये समझ सकते हैं कि अगर आपने कभी चने का दाना देखा हो, या चने का सीड देखा हो,
तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। इनफैक्ट हम लोग इसको मॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। यहां पे हमको एक स्कार दिखाई देता है और इसी पर्टिकुलर पॉइंट से ये अटैच रहता है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा, क्योंकि ये ओव्यूल से डेवलप हुआ है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो यहां पे वॉल ऑफ ओवरी होगी। तो वॉल ऑफ ओवरी से अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए ओव्यूल माने और इस लाइन को हम ओवरी मान रहे हैं, वॉल ऑफ ओवरी मान रहे हैं, तो ये प्लेसेंटा से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जुड़ा होगा। जब इसको हम तोड़ देते हैं, यहां से अलग कर देते हैं इस सीड को, तो यहां पे हमें एक इस मार्किंग के फॉर्म में दिखाई देगा, यानी कि यहां पे एक स्कार हमको दिखाई देगा। और यहां पे जस्ट इसके नीचे यहां पे एक पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, तो इसको हमने बोला हाइलम और इसको हमने बोला जहां पे इंटेगमेंट नहीं प्रेजेंट है, दैट इज माइक्रोपाइल, जहां से ऑक्सीजन एयर या कह सकते हैं वाटर का एंट्री पॉइंट होता है। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था मॉर्फोलॉजी में। तो बेसिकली हमको ये समझ में आ गया कि फ्यूनिकल अटैच करेगा ओव्यूल को प्लेसेंटा से, और फ्यूनिकल खुद जिस पर्टिकुलर जंक्शन पे अटैच हो रहा है विद द ओव्यूल उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइलम बोल रहे हैं। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइलम बोल रहे हैं। इज इट क्लियर? तो इतनी सी बात हमको एनसीईआरटी के लिए याद रखनी है, या एनसीईआरटी में जो गिवन है अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। एक छोटा सा यहाँ पे हम और कुछ पॉइंट्स आपको बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन पे बेस ऑफ फ्यूनिकल पे यहाँ पे यूनिसेलुलर फिलामेंटस हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और इन यूनिसेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर को या हेयर लाइक स्ट्रक्चर को मैं बोल रहा हूँ ऑब्ट्यूरेटर, ऑब्ट्यूरेटर। और ये जो ऑब्ट्यूरेटर है, ये जब यहाँ पे पॉलन ग्रेन आएगा और सेम स्पीसीज का है, तो यहाँ पे जब पॉलन ट्यूब्स बनेगी, तो इस पॉलन ट्यूब को यहाँ पे ये गाइड करेगा कि किधर मूव करना है। तो ऑब्ट्यूरेटर का फंक्शन ये हो गया कि ये फ्लैग मार्क की तरह काम करेगा, यानी कि ये गाइड करेगा किसको, मूवमेंट और एंट्री, और वी कैन से मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब इन साइड द कॉर्पल और पिस्टल। तो ऑब्ट्यूरेटर का ये छोटा सा फंक्शन हमको याद रखना है कि ऑब्ट्यूरेटर जो है वो गाइड करेगा किसको, पॉलन ट्यूब को। तो इतनी सी छोटी सी बात हमको समझ में आ गई कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओव्यूल। और ये ओव्यूल कहां पे प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर, ओवरियन कैविटी या ओवरियन लॉक्यूल में। और ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल में सेंटर पे हमने देखा कि प्रेजेंट है एम्ब्रायो साइट या फीमेल गैमेटोफाइट, एंड आउटसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे मास ऑफ सेल प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूसिलस। ये न्यूट्रिटिव सेल होंगी, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी डेवलपिंग फीमेल गैमेटोफाइट को। एंड जस्ट आउटसाइड द न्यूसिलस और न्यूसिलर सेल मास देयर आर टू प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटेगमेंट। बाहर वाली को आउटर और अंदर वाली को इनर इंटेगमेंट बोला। ये इंटेगमेंट कुछ केसेस में, कुछ प्लांट्स में एब्सेंट भी होते हैं, जैसे कि लोरेंथस और सेंटेलम प्लांट्स है, इसमें इंटेगमेंट नहीं पाया जाता है, कंडीशन को हम बोलते हैं एटैगमिक। और जैसे कि गैमोपेटलस प्लांट, जिम्नोस्पर्म्स में देखेंगे तो सिंगल इंटेगमेंट प्रेजेंट होता है, एक ही प्रोटेक्टिव वॉल या लेयर प्रेजेंट होगी, यूनिटेगमिक कंडीशन बोलेंगे। बट इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्पीसीज दो इंटेगमेंट होंगे, यानी कि ओव्यूल में दो इंटेगमेंट प्रेजेंट होंगे, बाईटेगमिक कंडीशन बोलेंगे। और ये जो ओव्यूल है ये प्रोटेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग, व्हाट इज कॉल्ड एज इंटेगमेंट, so that the ovule is also called as integumented megasporangium। तो ovule के अंदर यहाँ पे बनेगा, हम थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे कुछ अगले वीडियोस में, कि इसके अंदर यहाँ पे बनेगा मेगा स्पोर्स, यहाँ पे बनेगा, क्योंकि ये मेल फीमेल फर्टाइल पार्ट है, जैसे कि मेल फर्टाइल पार्ट एंथर था, उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बन रहे थे माइक्रोस्पोर, तो ओव्यूल के अंदर बनेंगे मेगा स्पोर, इस वजह से हम ओव्यूल को बोल रहे हैं मेगा स्पोरेंजियम। तो ओव्यूल के अंदर मेगा स्पोर्स बनेंगे, इस वजह से हम ओव्यूल को मेगा स्पोरेंशियम बोल रहे हैं। और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ओव्यूल जो है वो कवर्ड है विद द हेल्प ऑफ इंटेगमेंट, सो दैट इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटेगमेंटेड मेगा स्पोरेंशियम, और कॉमनली इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओव्यूल बोल सकते हैं। तो ये हो गया है कि ओव्यूल जो है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेगा स्पोरेंशियम, क्योंकि इसमें मेगा स्पोर्स बनेंगे, और इंटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये कवर्ड होगा या प्रोटेक्टिव होगा विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टिव वॉल और लेयर, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटेगमेंट। और ये जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है, इसके दो टर्मिनल्स होंगे, दो पोल्स होंगे,
जहां पे इंटेगमेंट एबसेंट होगा इसको माइक्रोपाइल बोलेंगे, और इस पोल को माइक्रोपाइलर पोल, जस्ट अपोजिट टू माइक्रोपाइलर पोल यहाँ पे चलाजल पोल है, चलाजल एंड होगा, ये बेसल पार्ट है, ऊपर है प्रोस्टीरियर एंड, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये इन्वर्टेड ओव्यूल है और ये एनाट्रोपस ओव्यूल है, और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल को हम क्या बोल रहे हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल बोल रहे हैं, और ये जो मीन ओव्यूल है या बॉडी ऑफ ओव्यूल है ये प्लेसेंटा से टू द वॉल ऑफ ओवरी, यानी कि ये ओवरी की वॉल हो गई, और यहाँ पे ये जो स्पेस है कैविटी दिखाई दे रही है ये ओवरी कैविटी हो गई, तो वॉल ऑफ ओवरी से जुड़ा है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से अराइज हो रहा है यहाँ पे ओव्यूल, तो ये मीन ओव्यूल प्लेसेंटा से जुड़ा होगा फ्यूनिकल की हेल्प से, और फ्यूनिकल इटसेल्फ एक पर्टिकुलर जंक्शन या रीजन पे जुड़ा होगा विद द ओव्यूल, और इस जंक्शन को हम बोल रहे हैं हाइलम। तो इतनी बेसिक बातें हमको किसके लिए याद रखना है, ओव्यूल के लिए याद रखना है। हमने आपको बताया कि ये जो ओव्यूल है इन्वर्टेड ओव्यूल है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है, और ऐसे ओव्यूल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल, और ओव्यूल इटसेल्फ कई टाइप्स के हो सकते हैं। जस्ट अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ ओव्यूल कि एनाट्रोपस के अलावा और कौन कौन से तरीके के ओव्यूल्स कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं।